खार्किव में यूक्रेनी मिसाइलों को रूस ने कैसे किया नाकाम और फेस टू फेस जंग में कहां भारी पड़ी यूक्रेन की आर्मी, देखिए महायुद्ध टॉप 9। खार्किव में बीते 24 घंटे से रूस और यूक्रेन में आर पार की जंग जारी है। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों से हमलों का जवाब रूस ने S-300 डिफेंस सिस्टम से दिया। रूसी डिफेंस सिस्टम के काउंटर अटैक में यूक्रेन के कई हमले नाकाम हो गए। ज़ेपोरोजिया के रूसी कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन की किलर ब्रिगेड ने काउंटर ऑफेंसिव हमलों को तेज कर दिया। यूक्रेन की ग्राउंड फोर्स लगातार रूस की डिफेंस लाइन को तोड़कर ज़ेपोरोजिया में एंट्री करने की कोशिश में है। इस बीच यूक्रेनियन सैनिकों के साथ रूसी फोर्स की भीषण गन फाइट हुई है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का जवाब रूस ने स्कैंडम मिसाइल से दिया। रूस के बेलगरोद से यूक्रेन के खार्किव पर बैक टू बैक स्कैंडम मिसाइलें दागी गई। कई स्कैंडम मिसाइल ने यूक्रेन के कमांड पोस्ट को भी निशाना बनाया। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम कुछ स्कैंडम मिसाइलों को रोकने में फेल साबित हुए। डोनेस्क में रूस के कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन की टैंक रेजिमेंट के हमले नाकाम साबित हुए। रूसी फोर्स ने मैनपैड मिसाइलों से अटैक कर रहे कई बैटल टैंक ध्वस्त कर दिए। वॉर जोन में यूक्रेनी टैंक धुंधु कर जलते दिखाई दिए। मरियंस्क में रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड यूक्रेनी पोजीशंस पर कहर बरपा रही है। ड्रोन से रेकी के बाद यूक्रेन के बीएमपी व्हीकल और गोला बारूद डिपो पर भीषण शेलिंग हुई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो भी जारी किया। खार्किव के कुपियांस्क में यूक्रेन के मिलिट्री बेस को रूस की गाइडेड मिसाइलों ने तबाह कर दिया। यूक्रेन की मिलिट्री कमांड पोस्ट भी रूस के मिसाइल अटैक का शिकार हुई। इस बीच रूस की एंटी टैंक मिसाइल ने यूक्रेन के बैटल टैंक भी ध्वस्त कर दिए। अवदिवका की बैटलफील्ड में यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक जारी है। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने वीडियो को जारी कर रूसी सेना के एक और बक मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का दावा किया है। इन हमलों को अंजाम देने के लिए क्रिस्टल रैमर का इस्तेमाल किया गया। लुहांस्क के स्वातोव के पास यूक्रेन की असॉल्ट ब्रिगेड ने रूस की सैन्य किलेबंदी को तोड़ दिया। रूस की फ्रंटलाइन पर चौतरफा अटैक के साथ भीषण गोलाबारी की गई। इस हमले में 10 रूसी सैनिक मारे गए। रूसी पोस्ट पर भी यूक्रेन ने कब्जा कर लिया। रूस यूक्रेन जंग में क्लस्टर और फास्फोरस बमों का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। खैरसों बीती रात भी यूक्रेन बलों की स्थिति पर फास्फोरस बम गिराए गए। रशियन फोर्स के इस बदले वाली कार्रवाई में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए।